रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जल्द ही सभी राम भक्तों का सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ गई है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को राम लला के लिए बुनकरों के द्वारा बुने गए इन खास कपड़ों को सौंपा। कड़ाके की ठंड के बीच इन्हें श्री राम लला को पहनाया जाएगा। राम लला के लिए वस्त्र बनाने में लगभग 12 लाख लोग दो धागे श्री राम के लिए अभियान का हिस्सा बने और हथकरघा पर बुनाई कर इसे तैयार किया। सीएम ने कारीगरों के प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने कहा कि 12 लाख से अधिक हस्तशिल्पियों के द्वारा राम भक्ति के ताने बाने में ये कपड़े बुने गए हैं। यहाँ पर प्रभु लगभग 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि में राम तो परमपिता परमेश्वर, लेकिन लोक आस्था और जन विश्वास की पुनर् प्राण प्रतिष्ठा का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के बहाने प्रभु का एक मूर्त रूप फिर से वहां पर रामलला के रूप में राम जन्मभूमि में राम भक्तों को दुनिया की दबी कुचली सभ्यता और संस्कृति को प्राप्त होगा और इस देश से तो धागे से राम के नाम। इस भाव के साथ अंगा जी ने जो प्रयास किया है, उन्होंने बोला ना कि वस्त्र तब बनता है जब ताना और उपताना के बीच में ओत और स्रोत के बीच में समन्वय होता है, और एक समन्वय भी है राम भक्ति का ताना है तो हैंडलूम का बाना भी है। राम भक्ति का ये ताना हैंडलूम यानी हस्तशिल्पी हस्तशिल्प परंपरा को एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला है। राम के नाम पर दो धागे से राम के नाम, आज यहाँ पे जो वस्त्र अनघा जी के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को यहाँ पर प्रदान किए गए हैं, यह निश्चित ही हैंडलूम संस्कृति को एक नई दिशा देगा और लोगों के मन में एक नया भाव अवश्य आएगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अनघा जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बता दें कि रामलला की मूर्ति के लिए कपड़े बुनने में हाथ बटाने के लिए करीब 12 लाख से अधिक लोग पुणे से आए थे। इस पहल को दो धागे श्रीराम के लिए दिया गया। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।